दोस्तों हमारी लाइफ में कई तरह के लोग अंधविश्वास पाल के रखते हैं। जब स्टूडेंट्स लोग अपने एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो भी वो एक दूसरे प्रकार का अंधविश्वास पाल के रखते हैं। जैसे कि सपोज़ दोस्तों कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उसमें चार ऑप्शन होते हैं और सभी को पता होता है कि इस चार में से एक ऑप्शन सही है जबकि तीन गलत है। तो दोस्तों कई बार हम लोग बिना आंसर जाने हुए कहीं पे भी टिक मारने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल एक अंधविश्वास है। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन का अगर सही आंसर आप क्लियर जानते हैं और अगर टिक मार रहे हैं, आंसर मार रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपका एक आत्मविश्वास है। तो ये दोस्तों एक सिंपल मैनर में अंधविश्वास और आत्मविश्वास में दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये अंधविश्वास और आत्मविश्वास में आप कैसे अंतर क्रिएट कर आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप अंधविश्वास का कहीं पे भी सहारा ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी एक निगेटिविटी होगा, क्योंकि ये एक हमेशा निगेटिव चीज की ओर इंडिकेट करता है। अंधविश्वास हमेशा एक इंटरडिपेंडेंट होता है और वो टाइम डिपेंडेंट होता है और वो किसी भी चीज़ों पे किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों से अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन जब आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस होगा, एक आत्मविश्वास होगा, तो दोस्तों वो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और आप कभी भी कुछ भी करना चाहेंगे तो वो आप अपने आत्मविश्वास से अचीव कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी हो, जो भी पोजिशन में हो, वहाँ पे एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें। दोस्तों कई लोग, कई स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में और बहुत तरह के अंधविश्वास पाल कर रखते हैं, जैसे कि वो ये मान के चलते हैं कि हमारे देश में ये चीज़ें नहीं है, या फिर हमें हमारी फैमिली से कुछ चीज़ें नहीं मिली है, या फिर हमारे ये लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, या कुछ हमारे लिए ये लक सही नहीं है, या इस प्रकार की और भी बहुत सारे अंधविश्वास पाल के रखते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, क्या पाए हो ग्रह तारे और किस्मत में, मिला क्या परिवार दोस्त और देश से, सोचो ये जो मिला जो बदल सकते हर चीज़, क्या ये ज़रूरी नहीं एक बार की ये सोच, ख़त्म करो अंधविश्वास, पैदा करो आत्मविश्वास, फिर ये ज़िंदगी तुम्हारी, दुनिया तुम्हारी। और दोस्तों अगर आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास से काम करेंगे तो दोस्तों ये नेचर जो कि एक प्रकृति है इस यूनिवर्स की, वो भी ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करती जाएगी और आपका रास्ता बनते जाएगा और आपका लक भी काम करने लगेगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा आप अपने कॉन्फिडेंस से काम करें, आत्मविश्वास से काम करें और कभी भी अंधविश्वास पे बिल्कुल भरोसा ना करें और अंधविश्वास को ख़त्म करें, फिर ये आपका ज़िंदगी भी होगा और दुनिया भी आपका होगा। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।